बॉलीवुड को झटका, अजय देवगन के छोटे भाई अनिल देवगन का निधन। नमस्कार, मैं रितेश मिश्रा और स्वागत है आपका DRK न्यूज़ में। साल 2020 बॉलीवुड के लिए बेहद ही ख़राब बीत रहा है। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। अब अजय देवगन पर दुख का पहाड़ टूटा है, उनके छोटे भाई अनिल देवगन का निधन हो गया। अनिल 45 साल के थे। इस खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। सेलिब्रिटीज अजय को सद्भावना के साथ अनिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हालांकि अभी मौत की वजह सामने नहीं आई है। अजय ने कुछ सोशल मीडिया के जरिए दुखद खबर शेयर की। उन्होंने बताया कि कल रात अनिल देवगन यह दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनकी असमय मौत से परिवार बेहद दुखी है। अजय ने लिखा, अजय देवगन फिल्म और वे उनकी कमी शिद्दत से महसूस करेंगे। आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। कोरोना वायरस पैनडेमिक की वजह से कई व्यक्तित्व शोक सभा आयोजित नहीं की जाएगी। अनिल के निधन पर कई सेलिब्रिटीज़ ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिया मिर्ज़ा, बिपाशा बसु, अब्बास मस्ताना, अली फजल, अभिषेक बच्चन समेत तमाम लोगों ने अनिल को श्रद्धांजलि दी। अनिल ने 1996 में आई सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म जीत से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद अजय की फिल्म जान प्यार हो तो होना ही था, इतिहास और हिंदुस्तान की किस्म में अनिल ने बतौर असिस्टेंट काम किया था। साल 2000 में आई अजय की फिल्म राजू चाचा से अनिल ने बॉलीवुड में बतौर इंडिपेंडेंट निर्देशक पारी शुरू की थी। इस फिल्म में काजोल, ऋषि कपूर और संजय दत्त अहम भूमिका में थे। राजू चाचा अजय देवगन की भी पहली होम प्रोडक्शन थी। 2005 में अनिल ने अजय को ब्लैकमेल में निर्देशित किया था। बतौर निर्देशक अनिल की आखिरी फिल्म हाले दिल है, जो साल 2008 में आई थी। अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार में वे क्रिएटिव डायरेक्टर थे। पिछले 27 मई को अजय के पिता वेटन एक्शन निर्देशक वीरू देवगन का भी निधन हुआ था। भगवान अनिल देवगन की आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।